हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञान बुक डॉट इन का ऑनर हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा लावा आयरिस एक्सेट में फ्रीमवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं और इस मोबाइल को रूट कैसे करते हैं। रूट करने के लिए हमें सुपर एसयू इंस्टॉल करना है, उसके प्रोसेस भी इसमें बताए जाएंगे। फिर लावा आयरिस एक्सेट के बूट लोडर को कैसे अनलॉक करते हैं, इन सभी पाँच काम को हम अभी करेंगे। इस वीडियो में आप देख के सीख सकते हैं ये सभी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है लावा आयरिस एक्सेट का ये फ्रीमवेयर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और LP रूट टूल्स भी आपको डाउनलोड करना होगा। ये एक जिप फाइल है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग फोल्डर में डालना है। देखिए इसका ये एक्सट्रैक्ट फोल्डर, इसको डबल क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा। इसको आप कॉपी करके और इसके भी एक्सट्रैक्ट फोल्डर को कॉपी करके एक अलग फोल्डर में रखें, जैसे मैंने यहाँ पहले से रखा हुआ है। अब LP रूट टूल्स ओपन करें, और रूट ओपन करने के बाद ये बीटा सुपर SU का जो ये फोल्डर है, इस फोल्डर को आप मोबाइल के मेमोरी कार्ड में कॉपी करके रखें। फिर उसके बाद ये दोनों फाइलें जो हैं, एक ये रिकवरी इमेज और सेकंड MT6598 करके जो है, दोनों को कॉपी करना है आपको। कॉपी कर लिया हम लोगों ने, फिर एक बैक करके हम लोग लावा आयरिस एक्सेट फ्रीमवेयर फोल्डर में जाएंगे और यहाँ फ्रीमवेयर का जो ये फोल्डर है उसे ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। कॉपी एंड रिप्लेस, फिर से कॉपी एंड रिप्लेस। उसके बाद चेक सम डॉट INE फोल्डर को हमें डिलीट कर देना है। इसे हमने डिलीट कर दिया। अब आपको SP फ्लैश टूल ओपन करना है। यहाँ पे आप देखें फ्लैश टूल डॉट exe करके एक फाइल है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। ओके, और ये सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको लावा आयरिस एक्सेट का USB ड्राइवर भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका मोबाइल ऑफ होने के बाद भी आपके PC में डिटेक्ट होगा। और मोबाइल का आपको डेवलपर मोड ऑन करना है। मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन करके आपको इसमें USB डेबगिंग भी इनेबल करना है। तो आप ये सब चीज़ें अपने मोबाइल में पहले से करके रखें कि डेवलपर मोड ऑन करके रखें। अब आपको स्केटरिंग, ये फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद स्केटरिंग लोडिंग का ऑप्शन ओपन करें। इसके बाद आप उस फोल्डर को ढूंढें जहाँ पे आपने क्लिक करें प्रोसेसिंग, ये देखिए ये आ गया है। अब आपको करना ये है कि अपने मोबाइल को, आपके मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। जो आपका लावा आयरिस एक्सेट मोबाइल है उसे आप स्विच ऑफ कर लें। मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद आप उसको USB के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लें। हाँ, उसके बाद आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड TA 100% डाउनलोड फ्लैश इंस्टॉल हो रहा है इसमें। ताकि 100% ना हो जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है इसमें, से 100% होने दें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड ओके का ये सिंबल आ गया है। अब आपको PC में कुछ भी नहीं करना है। अब आपको अपने मोबाइल को, मोबाइल पे जाना है। अब आपको अपने मोबाइल का रिकवरी मोड ऑन करना है। रिकवरी मोड ऑन करने के लिए हमें वॉल्यूम अप और लॉक बटन एक साथ प्रेस करना है।
जब आप रिकवरी मोड ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में कैरलिप टच रिकवरी इंस्टॉल हो चुका है। अब आप ये जो वॉल्यूम अप बटन है वो किसी भी ऑप्शन के ऊपर जाने के लिए, और वॉल्यूम डाउन बटन का यूज़ वॉल्यूम के नीचे आने के लिए, आप टच से भी यूज़ कर सकते हैं, और पावर बटन का यूज़ ओके के लिए होता है। तो ये देखें, ये इंस्टॉल जिप वाले ऑप्शन में मैं गया। आपको यहाँ पे चूज जिप फ्रॉम स्टोरेज SD कार्ड 1 पे ऑप्शन पे जाना है। गया, ओके बटन से मैंने प्रेस किया। अब मुझे वो सुपर SU फाइल इंस्टॉल करना है। जैसा देखिए कि मैं सुपर SU फाइल यहाँ पे इंस्टॉल है, मतलब है फोल्डर में, उस पर मुझे जाके ओके प्रेस करना है। येस इंस्टॉल बीटा एस सुपर SU वाले ऑप्शन पे जाइए और फिर ओके ऑप्शन प्रेस कीजिए। सुपर SU आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है। जैसा कि दिखा रहा है कि इंस्टॉल फ्रॉम SD कार्ड इज कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको मोबाइल को रूट करना रिबूट करना है। थोड़ा देर रुक जाए, फर्स्ट टाइम रिबूट होने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके लिए घबराएं नहीं, तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपका मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा तो आप जब चाहें जो भी कस्टम रोम चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो MIUI 8 भी अपने LavaS 61 में इंस्टॉल कर सकते हैं, साइनेजन मोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, Xperia 7, S7, S6, सभी मोबाइल के रोम आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका ये प्रोसेस लास्ट पे है, तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि आपका मोबाइल ऑन हो चुका है। अब आपको अपने मोबाइल में ईमेल आईडी वगैरह वगैरह सेटिंग कर, जैसा स्टार्टिंग में मोबाइल आपका रहता है वैसा ही आपका मोबाइल हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे ज्ञान बुक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।